तो गाइस अभी हमारे पास एक फोन आया हुआ है जो कि Redmi 9 Power का है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये हमारा फोन है और इसके ऊपर अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक लॉक दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये फोन अभी हमारे कस्टमर जो लाए थे वो लॉक लेके आए। यहाँ पे देखिए आप, ये फोन यहाँ पे देखिए लॉक लगा हुआ है। तो ये लॉक आप अगर खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट मोड पे है। आप इसको चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए, यहाँ पे आके रुक जाता है। आप कितना भी चालू करिए, ये यहीं पे आके रुकेगा इसी फंक्शन पे। तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इसको तोड़ना है, क्योंकि ये FRP लॉक है इसलिए इसका FRP लॉक इसी तरह से होता है। आपका पैटर्न तो नहीं मांगेगा लेकिन ये बार बार यहीं पे आ जाएगा। तो इसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये Redmi 9 Power है तो इसमें क्वालकॉम का CPU लगा हुआ है। आपको इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हैं किसी भी फोन का मॉडल देख के, यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ भी देख सकते हैं आप। मॉडल नंबर सर्च करिए और जाके देखिए। तो सबसे पहले तो बता दूं कि जो ये क्वालकॉम CPU के फोन होते हैं उसमें EDL पॉइंट होता है। तो EDL पॉइंट में आपको करना क्या रहता है कि इस फोन को जो EDL पॉइंट होते हैं उनको शॉर्ट करके इसको कंप्यूटर से कनेक्ट कराना पड़ता है, तब जाके हमारा जो इस फोन में जो चिप लगा है वो डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। तो मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ ओपन। तो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है ओपन और थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। तो ये देखिए, ये रहा हमारा फोन। तो मैं फटाफट से, अभी इसमें नट्स भी लगे हुए हैं तो इसको भी ओपन करना पड़ेगा क्योंकि इसके ईडियल पॉइंट को हमें शॉर्ट करना है। आप MI के जितने भी फोन है, ज्यादातर फोन में आपको यही मिलेगा, आपको ईडियल पॉइंट को ही शॉर्ट करना पड़ता है। MI के फोन में ये एक है कि आपको खोलना पड़ता है फोन पीछे से, तभी जाके इसका ईडियल पॉइंट शॉर्ट होगा और ये फोन अनलॉक होगा। तो मैंने इसे कवर को कर लिया साइड और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए, यहाँ पे इसका ईडियल पॉइंट है। आपको अगर नजर दें तो ये जो दो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये इसका ईडियल पॉइंट है। इसी को शॉर्ट करके हमको फोन कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने UMT को, जो कि हमारा UMT, इसको मैं अपने कंप्यूटर में लगा लेता हूँ और मैं खोल लेता हूं अपना QC फायर, क्योंकि ये जो चीज है ये QC फायर से ही अनलॉक होगा क्योंकि ये क्वालकॉम CPU है। आपको सबसे पहले कभी भी फोन जब अनलॉक करें तो एक बार स्विच ऑफ कर लें, या फिर बैटरी कनेक्टर अगर निकाल सकते हैं तो बैटरी कनेक्टर निकाल के एक बार लगा लें। और निकालने के और लगाने के बाद से आपको करना क्या है, ये चिमटी की मदद से इस दो पॉइंट को शॉर्ट करा के और इस केबल को लगाना है। तो सबसे पहले ये मेरा QC फायर खुल चुका है, तो मैं यहाँ पे रीड टूल पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ Xiaomi। और यहाँ से हमने कर लिया इसका मॉडल सेलेक्ट, अप कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखिए Redmi 9 Power दिखा रहा है। अब आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आपने दोनों सेलेक्ट कर लिया, अब आपको बस यहाँ पे इसका FRP रिसेट करना है। तो इस पे क्लिक करके और इसको ओके कर देना है। अब आप देखिए यहाँ पे आ रहा है इसका फंक्शन। तो आपको यहाँ पे केबल इंसर्ट करने से पहले ये दो पॉइंट को शॉर्ट करिए और केबल इंसर्ट कर लीजिए। आपका देखिए हमारा फोन जो है वो कनेक्ट हो चुका है। तो अब देखते हैं कि क्या हमारा काम होता है कि नहीं होता है, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा FRP लॉक जो कि हट चुका है। तो अब हमें सिंपली इस फोन को कर लेना है साइड और यहाँ पे देखिए अपने आप फोन ये खुल चुका है। तो अब देखते हैं ट्राई करके कि क्या ये हमारा फोन ऑन होता है कि नहीं होता है। क्वालकॉम CPU में आपको फोन को अनलॉक करने में, FRP हटाने में या फिर कोई भी चीज करने में थोड़ा सा इसको खोलने में झंझट तो रहता है, लेकिन ये फोन बहुत तेजी से ऑन होता है। ये चीज आपको माननी पड़ेगी, ये फोन फटाक से ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए ये फोन हमारा अभी लॉक खुलता है कि नहीं, अभी चेक कर लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे लॉक का सिंबल पहले आ रहा था, अभी ये लॉक का सिंबल आप देखेंगे तो यहाँ दोनों साइड में
कहीं भी आपको लॉक का सिंबल नहीं मिलेगा आप देखने की कोशिश करें तो। तो चलिए अब देख लेते हैं फोन खुलता भी है कि नहीं खुलता है। यहाँ जो साइड में लॉक दिखाता है वो लॉक का मतलब यहाँ पे जो कोने पे छोटा सा लॉक दिखाएगा इसका मतलब ही होता है कि ये FRP लॉक है, आप इसको चाहे तो खोल नहीं सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी ये फोन खुल चुका है, पहले मैंने जब इसको ट्राई किया था तो ये फोन बार बार अपने फिर से रिपीट मोड में आ जा रहा था, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने FRP जैसे डन किया ये फोन अभी प्रॉपर अनलॉक हो चुका है। अभी आप देखिए ये फोन को कहीं से भी कोई लॉक नहीं लगा हुआ है और ये फोन वर्क कर रहा है। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और इसी प्रकार के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की अनलॉकिंग की वीडियो मिलती रहे। और जैसे आपके पास कोई नया फोन आ रहा है जिसका YouTube पे आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट करें, आपको तुरंत आपको जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा और आपका जो भी फोन है उसको मैं अनलॉक कराने के लिए आपसे आपकी जो भी मदद मेरे से हो पाएगी मैं करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, धन्यवाद।